हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल पढ़ाई। आज है 21 नवंबर 2020। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 नवंबर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं नॉलेज 52 के 20, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सभी हमारे व्यूवर्स को, हमारे फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिटवीन विच टू कंट्रीज डिफेंस पैक्ट इज साइन टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। ऑप्शंस आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापान, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री जो कि हैं योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिस, दोनों ने मिलके एक बहुत ही ऐतिहासिक एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। डिफेंस पैक्ट क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पे हमला करती है, आक्रमण करती है, तो जिसके साथ डिफेंस पैक्ट होता है वो कंट्री आके उसकी मदद करेगा। और ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है जापान और ऑस्ट्रेलिया में, ताकि वो चाइना को, जी हाँ दोस्तों, चाइना को सबक सिखा सके। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सोनू सूद एज अ स्टेट आइकन फॉर विच स्टेट। ऑप्शंस आर स्टेट आइकन ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट आइकन ऑफ बिहार, स्टेट आइकन ऑफ पंजाब, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्टेट आइकन ऑफ पंजाब। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोनू सूद, जी हाँ, आपके बहुत ही प्यारे एक्टर सोनू सूद को बनाया है स्टेट आइकन। कौन से स्टेट का? पंजाब का। पंजाब की बात करें तो पंजाब के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? अमरेंद्र सिंह। वहाँ के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बोंडरे। और कैपिटल क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल कैपिटल है पंजाब की, क्या नाम है उसका? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा की भी, तो पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ है एक यूटी यानी यूनियन टेरेटरी। फीफा हैज पोस्टपोन्ड द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन विच कंट्री ड्यू टू कोविड-19। ऑप्शंस आर नेपाल, चाइना, रशिया, इंडिया। तो इसका आंसर है भारत यानी ऑप्शन डी, इंडिया। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था अंडर 19, वो भी कौन सा? वुमेन्स वर्ल्ड कप, इंडिया में 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और कहा जा रहा है 2021 में होगा या फिर 2022 में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? ऑप्शंस आर नवंबर 18, नवंबर 19, नवंबर 20, नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। दोस्तों, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस इसको ऑब्जर्व करता है कि 19 नवंबर को मनाया जाए विश्व टॉयलेट दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट रिकॉर्ड्स बेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया? ऑप्शंस आर राजस्थान, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है बेस्ट सेक्स रेशो ऑब्जर्व किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो उसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेमा कांडू। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल मेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शंस आर नवंबर 18, नवंबर 19, नवंबर 20, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पुरुष दिवस। जी हाँ दोस्तों, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन दी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग ऑफ EMD? ऑप्शंस आर स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, इंडिया,
नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। दोस्तों 63 कंट्रीज में स्विट्जरलैंड का रैंक है 1, यानी स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, किसमें टॉप किया है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड के लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी सिटीज ऑफ इंडिया अमंग 36 ग्लोबल सिटीज आर सिलेक्टेड बाय WEF टू पोइनोर रोड मैप फॉर स्मार्ट सिटीज। ऑप्शन आर 4, 5, 6, नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है 4, यानी 4, 4 सिटीज। दोस्तों भारत के लिए 4 सीटों का चयन हुआ है, 4 शहर कौन कौन से हैं वो, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद, फरीदाबाद। इनको बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी, कौन बनाने जा रहा है, स्मार्ट सिटी एज पर G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस। क्वेश्चन नंबर 9, विच बैंक हैज लॉन्च CASA मोबाइलाइजेशन कैंपेन। ऑप्शंस आर कर्नाटका बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका बैंक। दोस्तों कर्नाटका बैंक ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है CASA, जिसके तहत वो नेशन वाइड सेविंग एंड करंट अकाउंट मोबाइलाइजेशन कैंपेन स्टार्ट करेगा नवंबर 2017 से लेके मार्च 2000 नवंबर 17 2020 से लेके मार्च 4 मार्च 2021 तक। बात करें CEO कर्नाटका बैंक के कौन है, महाबलेश्वरम। कहाँ पे है हेडक्वार्टर कर्नाटका बैंक का, मैंगलरू। जी हाँ दोस्तों, मैंगलरू। कब बनाया गया था कर्नाटका बैंक, 18 फरवरी 1924, 1924 को बनाया गया था कर्नाटका बैंक। अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली। ऑप्शंस आर रेणु देवी, नंद किशोर यादव, मदन मोहन तिवारी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नंद किशोर यादव। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर नंद किशोर यादव को बनाया जाएगा बिहार असेंबली का स्पीकर। दोस्तों समाप्त हो गया है आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।